खबर जबलपुर से है, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम 24 से 26 दिसंबर को जबलपुर में आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन में पुरस्कारों का भी वितरण होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन जबलपुर में होने जा रहा है, जहां 24 से 26 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन वेटनरी मैदान में होगा, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों ने वार्ता करते हुए बताया कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे। साथ ही अधिवेशन में प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार का वितरण होगा। इस वर्ष तमिलनाडु के करत केकन गणेशन को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अधिवेशन में देश के कोने कोने से एबीवीपी के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता जुड़ेंगे। वहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और 24, 25 और 26 दिसंबर को एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जबलपुर में होगा, जिसमें पूरे देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से और देश भर के प्रत्येक स्थान से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आने वाले हैं। प्रत्यक्ष रूप से सभी कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं हो सकते, इस कारण से 2407 स्थानों पर ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। इस अधिवेशन में उद्घाटनकर्ता के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश जी उपस्थित होने वाले हैं। साथ ही साथ में उद्घाटन सत्र में ही, जो कि 24 तारीख को संपन्न होगा, उसमें प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। ये इस वर्ष का प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार विल्लुपुरम तमिलनाडु के कार्तिकेयन गणेशन जी को दिया जाएगा, जो कि आज दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं अपनी एक संस्था के माध्यम से। साथ ही इस 3 दिवसीय अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, प्रस्तावों के अलावा कुछ भाषण भी होंगे। भाषण के साथ साथ में शोभा यात्रा, खुला अधिवेशन और नई कार्यकारिणी की घोषणा, ऐसे अनेक प्रकार के विषय इस 3 दिवसीय अधिवेशन में होने वाले हैं, जिसमें प्रदर्शनी भी बनाई जाएगी, कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी होंगे। प्रदर्शनी में कुछ आपने जनरल विपिन रावत जी के विषय में भी वहाँ पर कुछ दिखाने का प्रयास हम करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देने। जनरल विपिन रावत जी के साथ अन्य अपने ऐसे 12 आर्मी के जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए, और जनरल विपिन रावत जी की धर्मपत्नी, ऐसे सभी लोगों जो वीर गति को प्राप्त हुए उनके विषय में भी अपने अधिवेशन स्थल में दिखाने का प्रयास हम करने वाले हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए की जाएगी। विद्यार्थी परिषद का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और विद्यार्थी परिषद के सिद्धांतों में ही है कि हम दलगत राजनीति से इतर होकर के कार्य करते हैं। तो कोई भी पार्टी आए, किसी भी दल की सरकार बने या ना बने, हमें उससे मतलब नहीं होता। मतलब होता है तो छात्र हितों से, और मतलब होता है कि समाज का काम होना चाहिए, प्रदेश और राज्य की या फिर देश की उन्नति होनी चाहिए, उस पर विद्यार्थी परिषद का फोकस होता है। साथ ही इस वर्ष जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो विद्यार्थी परिषद भी पूर्व से ही जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाती आ रही थी, और सिर्फ जनजाति गौरव दिवस के रूप में नहीं, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं पूरे देश भर में। जबलपुर से आशीष वात्र की रिपोर्ट।